हे दोस्तों, वेलकम बैक टू गैजेट जोन। और आज आपके लिए ऐसे गैजेट्स लाया हूँ जो है बजट फ्रेंडली एंड टोटली वैल्यू फॉर मनी भी हैं। सो डायरेक्ट आ जाते हैं यार अपने पहले गैजेट पर। लेट्स बिगिन विद गैजेट नंबर वन। अगर मेरी बात सुनो, इफ आप दी बेस्ट ईयरबड्स ढूंढ रहे हो अंडर 2000, तो काम हो गया आपका। मैंने ईयरबड्स, ईयरफोन्स, बोट से लेकर रियलमी की बड्स एयर 5 और एप्पल की ईयरफोन्स जो अपेरेंटली 10,000 वाली एयरपॉड से अच्छी साउंड क्वालिटी ऑफर करती हैं बिकॉज दीज आर वायर्ड, ये सब यूज की हैं। और इतनी सारी ईयरबड्स वगैरह यूज करने के बाद मैंने मंगाई ओप्पो एंको बड्स 2। इनसाइड द बॉक्स आपको मिल जाती हैं ये बड्स और अंदर रहती हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और बुकलेट है। एंड भाई, मजे की बात तो ये है कि इसमें चार्जिंग केबल आपको नहीं मिलेगी, बट इट्स फाइन यार, हमारे घर में ऑलरेडी 10-10 केबल्स पड़ी रहती हैं। सो लुक वाइज द केस फील्स प्रीमियम और इसका ब्लैक कलर बेस्ट है। भाई, बड्स की बात करें तो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ही हल्की है ये। एंड मैंने इन्हें यूज किया 2-3 दिन, इनका फिट बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्हें आप टोटली यूज कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल रहती है ईयर में। एंड साउंड क्वालिटी यार, यकीन मानो ये रियलमी की 3,500 की ईयरबड्स को सीधे टक्कर देती हैं। एंड खुद इनका प्राइस है 1800 यानी 1800 रुपए, यानी रियलमी का जस्ट आधा। साउंड इसका सुपर क्रिस्प है, बेस एकदम बैलेंस्ड है। एंड भाई, इनमें जब आप मूवीज देखोगे तो सीरियसली एकदम थिएटर जैसा सराउंड साउंड वाला फील आएगा। साउंड को अपने हिसाब से आप ओप्पो के हे मेलोडी ऐप से कस्टमाइज कर सकते हो। उसमें आपको गेम मोड, बेस बूस्ट, क्लियर वोकल्स, ये 3 मोड्स मिल जाएंगे। तो भाई, ट्रस्ट मी, दीज आर बेटर देन एप्पल ईयरफोन्स, रियल बड्स एयर 5। एंड टाइप सी चार्जिंग है इनमें, प्लस बैटरी बैकअप इज रियली रियली गुड। सो फिर अगर आपका बजट अंडर 2000 है तो दीज आर दी बेस्ट ईयरबड्स इन दिस प्राइस सेगमेंट। इनका प्राइस अगेन 1800 है। और इनकी और बाकी सारे गैजेट्स की लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। ब्लूटूथ स्पीकर्स पहले बड़े आते थे, फिर और छोटे हुए, फिर और छोटे, एंड आज की डेट में इतने चुन्नू से रह गए। जरा से ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं यार, बट साउंड इनका बहुत दमदार है। ये है एक मैग्नेटिक स्पीकर जिसके अंदर काफी ऑसम लाइटिंग रहती है। एंड इसमें पीछे साइड एक मैग्नेटिक रिंग होती है जिससे इस स्पीकर को ना आप अपने फोन के पीछे ऐसे चिपका सकते हो, फोन के पीछे या फिर लाइक किसी मेटालिक सर्फेस पर भी चिपका सकते हो, डायरेक्टली स्टिक कर सकते हो इसे। साइज के हिसाब से साउंड इसका बहुत तगड़ा है, बहुत लाउड है, एंड एक फोन स्टैंड का काम भी कर देता है। प्राइस है इसका 444। ये रही आज की कूल वॉच। और भाई, तुम जानते हो मैं स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ क्योंकि वो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं। सो अगर लुक्स एंड स्टाइल चाहिए तो डेफिनेटली आपको नॉन स्मार्ट वॉच लेनी पड़ेगी। अब ये एक मिलिट्री ग्रेड आउटडोर टफ वॉच है, स्ट्रैप होता है इसमें सिलिकॉन का, एंड लुक्स तो यार एज यू कैन सी टोटली नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे इससे। याद ही है, ब्लू एंड जेड ब्लैक इन दो कलर्स में, एंड होती है फुली वाटरप्रूफ एंड बजट फ्रेंडली भी है। सिर्फ 340 रुपये में इसे आप ले सकते हो डिस्क्रिप्शन की लिंक से। खुद को बुराई एंड बुरे लोगों से बचाने के लिए या तो भाई किसी सुपर हीरो का वेट करो कि वो आके आपको बचाएगा, और वेट नहीं कर सकते तो ऐसा एक डिस्क्रीट सेल्फ डिफेंस गैजेट अपने साथ रखो। ये है द ट्रिपल किल, एक रफ एंड टफ नाइफ। इसके इस रिंग वाले पार्ट में फिंगर डालकर इसे आप मजबूती से होल्ड कर पाओगे एंड ब्लेड इससे स्लाइड करके निकाली जा सकती है। ऑल्दो पहली नजर में कोई बता ही नहीं पाएगा कि एक नाइफ है, एंड ये पूरी की पूरी फोल्ड होकर मतलब तुम्हारी पॉकेट में आ जाएगी, या चाहो तो इसे अपनी चाबियों के साथ ऐसा की चेन लगाकर भी रख सकते हो। देखो, एक तो सस्ते वाले स्पिनर्स आते हैं जो उतने स्मूथ भी नहीं होते, ना ही उनका स्पिनिंग टाइम ही ज़्यादा होता है, और वहीं दूसरी तरफ सच में अगर एक अच्छा फिजेट स्पिनर लेना है तो ये EDC स्पिनर्स ले लो। ये बहुत ऑसम है लुक वाइज भी, एंड बहुत स्मूथली एकदम क्वाइटली स्पिन करते हैं। और ब्लैक वाला तो भाई मतलब देखने में क्या गजब का लग रहा है ना। इनका स्पिनिंग टाइम 4 से 5 मिनट्स तक का रहता है, एंड स्पिन करते टाइम इनसे लिटरली ना के बराबर साउंड आता है, बस एक हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत ही हल्की। और मेटल से बना होने के चलते ये चलते भी लंबा है, यानी प्लास्टिक स्पिनर मतलब खराब हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब मिलो एक ऐसी फ्लैश लाइट से जिसकी लाइट इतनी तेज होती है कि भाई ये चीजों में आग लगा सकती है। यकीन नहीं हो रहा ना, ये देखो, ये फ्लैश लाइट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की लाइट एमिट करती है। और इसके आगे अगर कोई हल्का फुल्का मटेरियल आ जाए लाइक कॉटन या कोई कपड़ा वगैरह तो इंस्टेंटली उसमें ये आग लगा देगी। इसका रियर पार्ट मैग्नेटिक है तो इसे आप मेटल की किसी भी सरफेस पर ऐसे चिपका सकते हो एंड ऐसे क्लिप करके अपने साथ इजिली कैरी कर सकते हो या पॉकेट में रख सकते हो। टाइप सी केबल से फास्ट चार्ज हो जाती है ये। एंड रही बात इसकी ब्राइटनेस की, तो वो इतनी होती है कि आपके सामने का 20-30 मीटर का एरिया ना ये बहुत इजिली इल्यूमिनेट कर देगी। दिस वन इज रियली रियली पावरफुल। प्राइस भी कम है इसका, अंडर 500, सिर्फ 488 रुपए। अब 250 रुपए का ये गैजेट मेरे पास भी है और लिटरली हर एक स्मार्टफोन यूजर के पास होना मांगता ही है। बिडू,
क्योंकि फोन में हम YouTube वीडियोस मूवीज ये सब देखते ही रहते हैं और बैठ के या लेट के देखने पर हाथ में फोन पकड़े पकड़े दिमाग खराब हो जाता है। तो यार ये स्टैंड ले लो एंड फिर इसे बेड सोफा टेबल किसी भी चीज पर ऐसे लगाकर फिर इसमें फोन को लगाकर अपने मनपसंद एंगल पर जैसे चाहो वैसे सेट करके मस्त बैठकर या लेटकर मूवीज वीडियोस जो देखना है देखो। और इसका जो स्टेम होता है वो काफी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल रहता है, किधर भी मुड़ जाता है। तो स्मार्टफोन का साइज कितना भी हो, छोटा बड़ा, सारे फोन इसमें इजिली माउंट करके उनमें मूवीज एंड ऑल एंजॉय कर सकते हो आप। नॉर्मली तो लोग ईयरबड्स में उनकी साउंड क्वालिटी पर ज्यादा बात करते हैं, बट इन ईयरबड्स को देखने के बाद तुम सिर्फ इसकी डिस्प्ले के फैन हो जाओगे, साउंड क्वालिटी गई तेल लेने। ऑल्दो वो भी अच्छी है, डिसेंट है। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले इन ईयरबड्स के केस में ही इंटीग्रेटेड रहती है और ईयरबड्स के ढेरों फीचर्स लाइक प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कौन सा सॉन्ग चल रहा है, ये सब आप इसी टच स्क्रीन पर देख सकते हो एंड बाकी के फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज वगैरह भी इसी डिस्प्ले में शो होता रहता है और तो और भाई वॉलपेपर तक लग जाता है इसमें। और भाई क्या बट्स केस की जान लोगे। सिटी में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाना हो या फिर बहुत दूर लाइक आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करना हो, दोनों ही सिचुएशंस के लिए मिहोगो वन परफेक्ट ई बाइक है और ये अब तक की लॉन्गेस्ट रेंज वाली ई बाइक है दोस्तों। इसमें डुअल लार्ज कैपेसिटी बैटरीज होती हैं जिनके चलते इसकी जो रेंज है वो जाती है 270 किलोमीटर तक, यानी वृंदावन से दिल्ली एंड दिल्ली से वापस वृंदावन। ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है इसमें, हैंडल बार पर एक डिस्प्ले भी रहती है जिसमें सारी जरूरी इन्फो शो होती रहेगी दोस्तों। इसमें आप लगेज या फिर पीछे एक पर्सन को भी बिठाकर राइड कर सकते हो एंड ये फुली वाटरप्रूफ रहती है तो मस्त रबर लगाकर मोटर चलाकर इसे वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसकी वायरिंग वगैरह में। एंड हाँ, रात में बेटर विजिबिलिटी के लिए इसके फ्रंट में एक हेडलाइट और रियर में एक टेल लाइट भी रहती है। अपने फेवरेट पीसी गेम्स खेलने हैं बट पीसी या लैपटॉप है नहीं तो फिकर नॉट यार, तुम ये छुटकू सा हैंडहेल्ड विंडोज डिवाइस ले सकते हो। ये दुनिया का पहला डुअल स्क्रीन विंडोज हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें सारे गेम्स चलेंगे भाई जो तुम खेलना चाहो। गेम्स खेलने के लिए बटन्स, जॉयस्टिक्स सब इसी में रहती हैं, चाहो तो अलग केवल इसी में गेम खेलो या फिर चाहो तो अपने पीसी वगैरह के साथ कनेक्ट करके भी खेल सकते हो। बट मान लो जैसे कहीं बाहर घूमने जा रहे हो नानी के यहाँ, ऐसे में पीसी तो साथ लेकर जा नहीं सकते, तब उस सिचुएशन में आप इसे साथ ले जाओ और इसी में अपने सारे गेम्स एंजॉय करो, सिंपल। लेगो जैसी ब्रिक्स से बनी ये एआर गन भी ब्रिक्स लवर्स के लिए एक मस्ट हैव है। इसे पहले तो तुम्हें सारी ब्रिक्स को खुद से जोड़कर तैयार करना होगा एंड फंक्शनिंग इसकी काफी ज्यादा रियलिस्टिक रखी गई है, जैसे गेम्स में हमने देखी है। इसकी मैग में बुलेट्स लोड करनी होंगी, फिर मैग इस एआर में लग जाएगी। बट अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ शोबाजी के लिए है या फिर सच में बुलेट्स शूट करती है, तो भाई करती है शूट, ये देखो बैक टू बैक, सही है ना। मूविंग ऑन, ऐसा एयर प्योरीफायर देखा है जिसमें पेड़ पौधे लगे रहते हो? नहीं देखा तो अब देख लो। इस एयर प्योरीफायर में मतलब एक अलग ही फ्रेश फील बना रहता है बिकॉज ये नेचर से इंस्पायर्ड है। और अगर तुम दिल्ली, नोएडा जैसे पॉल्यूशन वाले इलाके में रहते हो तब तो एयर प्योरीफायर लेना बनता है बॉस। अब आ जाए इस पर्टिकुलर एयर प्योरीफायर पर, तो आपको सिंपली इसे ऑन करके अपने रूम में अपने आसपास रख लेना होगा और ये उस जगह से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके आपको फोकस करने में मदद करेगा। आलतू फालतू कोई स्मेल भी होगी अगर आपके रूम में तो ये उसे भी रिमूव कर देगा और अच्छा खासा एरिया भी कवर कर लेता है ये प्योरिफिकेशन के एस्पेक्ट से। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें यही लगी कि ये नेचर से इंस्पायर्ड है तो ना एक हमेशा फ्रेशनेस वाली फील बनी रहेगी। ऐसे स्टंटबाजी करते टाइम सोचो अगर आईफोन या महंगा एंड्रॉइड फोन टपक जाए तो जान मुंह में आ जाएगी। तो सेफ्टी पर्पस के लिए ना तुम ये मैग्नेटिक रिंग लगा सकते हो अपने स्मार्टफोन के पीछे, कोई सा भी फोन हो उसमें लग जाएगी ये इजिली और इसी रिंग में फिंगर डालकर फिर दौड़ो, भागो, कूदो, स्टंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन नहीं गिरने वाला। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये रिंग एक फोन स्टैंड का काम भी कर देती है एंड प्राइस है इसका सिर्फ 170 रुपए। पहले के ज़माने में घर का ढेर सारा सामान रखने के लिए बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस, अलमारी ये सब चलते थे, बट अब मॉडर्न गियर स्टोरेज सॉल्यूशन है द मॉडकॉन। इसे आप एक चलती फिरती अलमारी भी कह सकते हो, नीचे इसमें व्हील्स लगे रहते हैं तो इसे पकड़कर पुल करके एक जगह से दूसरी जगह तक इजिली ले जाया जा सकता है। एंड स्टोरेज स्पेस तो इसमें इतना ज़्यादा होता है कि 2-3 रूम्स का सामान इसमें आ जाएगा। मूव करते टाइम या फिर लाइक रीडेकोरेट करते टाइम, मान लो जैसे घर में सफाई वगैरह चल रही है तो सामान को टाइम पर स्टोर करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और मूव करने में ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपके।
सो गाइज अब आपकी बारी वीडियो को करने के लाइक, सो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए। सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले गैजेट्स एंड इन्वेंशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।